Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh, oh. Tried to show me how to live when I was numb. सो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू बैक माय अनदर व्लॉग। तो आज फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सावला कोर्ट से शुरू होने वाला है आज का व्लॉग। सो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू बैक व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम करने वाले हैं सावला कोर्ट से शुरू और पूरा एंड तक देखना। आज हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, तो आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग आ रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं सावला कोर्ट के जो रेलवे ब्रिज है आप सभी लोगों के सामने लाइव है। दरअसल आजकल जो है ईद चल रही थी, तो सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो ईद हो चुकी है बिल्कुल फिनिश और आज आ चुके हैं हम नए अपडेट के साथ सावला कोर्ट में। तो सॉरी इस चीज़ के लिए कि जो मेरा 7-8 दिन से वीडियो नहीं आया हुआ है। तो फाइनली आप यूजुअली में देख पा रहे हैं सावला कोर्ट का जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। रेलवे के गार्डर्स डुबाए गए हैं नीचे और साथ में जो है कंक्रीटिंग के लिए जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सरिया वगैरह बिछाया गया है। तो ये यूजुअली में आपको ऊपर से व्यू देखने को मिल रहा होगा, जो कि काम कम्प्लीट हो चुका है। तो मैक्सिमम 100 डेज़ के अंदर से अंदर कम से कम जो मैक्सिमम 100 डेज़ लग जाएंगे यहाँ पर जो है ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो ऐसा कहा जा रहा है रियासी तक जाने के लिए। तो सावला कोर्ट तक जो है ट्रेन बहुत जल्दी आ सकती है, यानी कि क्या है तो 1 मंथ में आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम पेंडिंग है T1 टनल का और T13 टनल का, तो आगे हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे जल्दी पहले लाइक करो, उसके बाद सब्सक्राइब करो और साथ में कुछ बंधु में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना और साथ में कॉमेंट करना नहीं भूलेगा। तो नूर एंडी व्लॉग्स 19 को फॉलो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दो। साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे देख लो और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एपिसोड्स हम व्लॉग्स आप सब लोगों के लिए लाते रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया हुआ है हमें, तो उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया दिल से करते हैं। तो पाइपलाइन वगैरह आज यहाँ पे बिछाई गई है, जो कि आप सामने लाइव देख रहे होंगे वीडियो में, और यहाँ पे जो है आज कंक्रीटिंग किया जाएगा। हो सकता है मैं उसका वीडियो ना ले पाऊँ, लेकिन कोशिश करेंगे उसका वीडियो भी लेने में। तो आप जो है डेली यहाँ पर अपडेट्स आएंगी, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आगे। तो फाइनली मेरा एडसन पिन जो है आ चुका है, आप लोगों के इतने प्यार की वजह से हमारा एडसन पिन आ चुका है। तो अगर आप लोग बहुत से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो फाइनली हमारा फर्स्ट पेमेंट भी आ जाएगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो सब्सक्राइब शेयर करो, आगे करो शेयर, ताकि आप तो एक ही सब्सक्राइब या दो कर सकते हो, लेकिन आप आगे भी काफ़ी ज़्यादा बंधु में शेयर कर सकते हो। तो ये सावला कोर्ट का बाहर देख सकते हो, बैलेंस और कंप्लीट और बैलेंस। तो बीच में जो कंप्लीट हो चुका है ट्रैक और साइड का जो फुटपाथ है दोनों साइड से, अभी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो 90% काम जो वर्क हो चुका है और अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। तो फाइनली आज यहाँ पे इतनी लेबर नहीं लगी है, क्योंकि आज हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं और यहाँ पे जो है लेबर अब काफ़ी ज़्यादा जल्दी से फिर से जो है रिटर्न में स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं और आप शेयर भी करते हैं तो कमेंट भी करते हैं। तो 54% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 46% लोगों ने ही किया है। तो जल्द से जल्द जो भी हमारी वीडियो देखता है उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो फाइनली जो है हमें देखने को मिल रहा है, बाकी की जाए जो ये स्पेंडिंग हो रहा है और आज यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त स्पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसी की वजह से हम आगे हम T13 टनल भी आपको दिखाएंगे, जो टनल नंबर 13 है, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा अपडेट्स मांगे हुए थे। दरअसल वहाँ प्रॉब्लम इतना सा हो रहा है कि वहाँ जो एंट्री में थोड़ी मुश्किल हो ही जा रही है। तो कोई ना, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हम वहाँ पे भी अंदर बिल्कुल ज़रूर ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो लेने चाहेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ग्रो अप कराओ हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा जल्दी, ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हो पाएगा। तो आप देख सकते हो आगे का टनल भी बिल्कुल कम्प्लीट है और उसके अंदर जो था 2 किलोमीटर का जो है रेलवे ट्रैक पेंडिंग पड़ा हुआ था, फाइनली आज वो भी कम्प्लीट ही हो चुका है। उसमें जो है अब छोटा मोटा काम पड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं इसके इलेक्ट्रिशियन का काम पड़ा हुआ है, बाकी तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे काम हो ही चुका है। ये सावला कोर्ट का व्यू देख रहे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आप 2000 बंदों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दो हमारी वीडियो को। तो काफ़ी बंदे हमें यहाँ पे जो है ट्रैवल करने आते हैं सावला कोर्ट से कश्मीर वीक के बीच जा रहे हैं, तो काफ़ी बंदे रूम्स अवेलेबल के लिए हमसे पूछा था, तो हमने उनसे कह दिया कि हो जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, हमारे चैनल के अंदर जाओ, वहाँ पे जो आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे जाओ, वहाँ पे हमारे चैनल के इंस्टाग्राम का एक लिंक मिलेगा और वहाँ पे टैप करके आप हमारा मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि यूट्यूब से थोड़ा मैसेज जो होगा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है,
क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसलिए हम आप सबका नहीं ढूंढ पाते हैं। तो पर्सनली हमारे उसको फॉलो कर दीजिएगा पेज को, और साथ में आप हमें क्या बोलते हैं मैसेज कर देना अगर आप लोग ट्रैवल के बारे में या कुछ भी जो भी चीज़ें आपको जाननी हैं तो हम आपको वो बता देंगे। तो साथ में अगर कमेंट कर देते हैं तो हम उस पे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो आप कौन से एरिया से हो, कौन से स्टेट से हो, ज़रूर एक बार कमेंट कर देना कि अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पे सालाकोट के बीच में से, और हम आपकी जो भी सेवा कर सकते हैं। तो ये देखते हो आप T13 टनल के सामने का व्यू ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि अभी काम यहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अब मिलते हैं आगे। सो गाइस काम हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट वजह से अब, और फाइनली उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने। तो गाइस देख सकते हो आप, हम आपके सामने कुछ ऐसा व्यू देखने को लाए हैं तो बहुत ही मस्त व्यू है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर हमारे एरिया में विज़िट करना आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग विज़िट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप हमारे एरिया में आए। तो गाइस देख सकते हो आप, फाइनली ये व्यू जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको रामबन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ये एरिया हमारा यहाँ का है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया, और इस खूबसूरत एरिया के साथ आप लोगों को रूबरू कराते हैं हम लोग अगर आप आना चाहो तो। तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है गाइस यहाँ पे क्या कहते हैं ये जो उधमपुर के बीच में जो ट्रैक पड़े हुए हैं थोड़ा पेंडिंग है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जो है हो जाएंगे। तो उम्मीद है हमारी आपको जितनी हम तक इंफॉर्मेशन थी हमने आप तक दी, और आपने आगे शेयर करनी है, ज़रूर से ज़रूर हमारा सपोर्ट करना है, और आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।